जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दुर्घटना लगभग 11:45 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था NTPC का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है, वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया, उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार ऋषिकेश मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा, और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं।